आइए मोहतरमा, आइए, स्वागत है आपका। सोहम, तुम इस वक्त यहाँ पे ऑफिस में छुट्टी ली है तुमने? क्यों, ये मेरा भी घर है, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जब जी जाए आ सकता हूँ, मैं जब जी जाए जा सकता हूँ। वैसे तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं कहाँ डरी हुई हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें पूछ रही हूँ। तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए ना। तुम तो जानते हो ना, मैं रोज लंच के लिए घर आती हूँ, ऑफिस यही नजदीक है, इसीलिए। तुमने खाना खाया? मैंने खाना खा लिया, लेकिन तुम खाना खाने के लिए नहीं आई, सच बताओ, किससे मिलने के लिए आई? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं किसी से मिलने क्यों आऊंगी, मैं तो ऑफिस से सीधा घर पे खाना खाने के लिए आई हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। देखना, एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। सोहम शक करना बंद करो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? पता नहीं शादी से पहले किससे प्यार किया था। सोहम मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अभी मेरा लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा, हम ये झगड़ा बाद में करें। बात को टालो मत, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आज रात तक तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? हाँ मार डालो मुझे, मेरी मौत के बाद ही तुम्हें यकीन होगा कि मैं बेवफा नहीं हूँ। क्या करूं, विद्या का किसी ना किसी से चक्कर तो चल ही रहा है। विद्या, हमारी शादी होने वाली है, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी मेरे जहन से जा नहीं रहा है। हाँ तो पूछो ना, किसने मना किया है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं नहीं, क्यों? नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो बहुत डिमांडिंग थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया और उसके बाद मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आई। हाँ तो अच्छा हुआ ना, तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ तभी तो तुम मुझे मिले ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं जो तुम्हें वन साइड लव करता हो? हाँ पर ये सब कुछ अभी क्यों? सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए, कहो ना, ऐसा कोई दोस्त था? हाँ, मेरी कॉलेज में एक लड़का था। कौन? अभिषेक। अच्छा। हाँ, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में था। तो तुमने उसे कब प्रपोज किया? कभी नहीं। तो उसने तुम्हें कब प्रपोज किया? अरे हम दोनों सिर्फ फ्रेंड थे, और वो मेरी किताबें पढ़कर पास हुआ था, फिर कॉलेज खत्म और हमारी दोस्ती भी। तो वैसे अब क्या कर रहे हो? अभी वो अहमदाबाद में अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी। तो तुम दोनों बात नहीं करते? अरे कहा ना मैंने तुमसे, कॉलेज खत्म, दोस्ती खत्म। अच्छा, अब तो तसल्ली हो गई ना मेरे होने वाले पति देव। हाँ। देखिए मिस्टर रवि, मेरे हिसाब से आपको इस जगह पे जाना अच्छा रहेगा। मनाली में? हाँ, क्योंकि अभी सर्दी की सीजन है और यहाँ बर्फ भी अच्छा गिरता है, तो आपको एंजॉयमेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। हेलो मिस्टर अभिषेक। यस। माफ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठिए। मैं सोहम, आप विद्या को तो जानते होगे ना, विद्या मींस कॉलेज फ्रेंड। हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। विद्या और मेरी शादी होने वाली है, तो विद्या से जुड़ी हर बात मेरे लिए जानना जरूरी है। बोलो क्या जानना चाहते हो तुम? आप और विद्या कॉलेज में फ्रेंड थे ना, तो बस आप फ्रेंड ही थे या और कुछ? देखो सोहम, मैं और विद्या सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता और ना ही विद्या मुझसे प्यार करती है। लेकिन तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड थे ना। हाँ, क्या लड़का और लड़की कभी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते? देखो सोहम, मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, इन किताबों से मेरा क्या वास्ता, और एग्जाम पास करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। और विद्या एक ऐसी लड़की थी हमारे क्लास में जो एग्जाम में हर वक्त फर्स्ट आती थी, इसीलिए बस एग्जाम पास करने के लिए मैंने उससे दोस्ती बढ़ा ली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी हो चुकी है। ओके? ओह ओके। और सोहम सुन, तू जल्द से जल्द उस लड़की से शादी कर ले, क्योंकि विद्या जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। बस यही एक सवाल मन में कुरेद रहा था, इसलिए मैं तुम्हें मिलने यहाँ आया, लेकिन अब कोई चिंता नहीं। और हाँ, तुम मेरी शादी में जरूर आना। ऑफ कोर्स, अगर तुम बुलाओगे ना तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो शादी में मिलते हैं। श्योर, जरूर आना।
अभिषेक तो अहमदाबाद में है, फिर ये किससे मिलने जाती होगी? एक काम करता हूँ, उसकी दोस्त सानिया से ही पूछता हूँ। Excuse me, मुझे आपसे एक बात करनी है। ठीक कहिए ना। देखो, तुम्हारी दोस्त क्या करती है, कहाँ जाती है और क्यों जाती है, ये सब मुझे बताओ। अरे अरे रुको जरा, इतने सारे सवाल एक सांस में ही। हर जवाब की एक कीमत होती है, तुम्हारी क्या कीमत है बताओ। एक सवाल के जवाब का पूरे 5। तो बोलिए मिस्टर, क्या है आपके सवाल? सुबह कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है? सुबह में 8 बजे आती है और 1 बजे चली जाती है। और वापस कब आती है? 2 बजे। 2 बजे कब से आने लगी? बस यही 1-2 दिन से। क्या यहाँ से सीधा घर जाती है? तुम्हारा घर तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। 5 मिनट की दूरी पर कोई थोड़ी एक्टिवा लेके जा सकता है। तो फिर कहाँ जाती है, तुम्हें तो पता होगा। मुझे तो नहीं पता, मगर तुम्हें जानना हो तो मैं पता करवा लूंगी, पर उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मुझे। मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया, थैंक यू। ओके बाय। हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ। क्या? सबूत। सबूत? किस चीज का? तुम्हारी बेवफाई का। सोहम, आज सुबह से मैं देख रही हूँ, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? मुझे यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सोहम, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? वो मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरी विधि अब मेरी नहीं रही। जो रोज उठकर मुझसे प्यार करती, मुझ पर अपनी जान छिड़कती, ओ विद्या कहीं चली गई? कहीं नहीं गई सोहम, ऑफिस में काम का प्रेशर ही इतना है और ऊपर से तुम ऐसा बिहेव करते हो, मुझ पर शक करना कब बंद करोगे तुम? हाँ, लेकिन जब मुझे अपना जवाब मिल जाएगा तब। सोहम, तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। आ गई अपने यार से मिलके। यार? आज मैंने देखा कि एक घर में तुम किसी से मिलने गई थी। हाँ तो क्या हुआ, देखा तो अंदर आ जाते, तुम्हें भी पता चलता कि सच क्या है। मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने ऐसा किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत फहमी में हो। तुम सच जानना चाहते हो ना कि वहां पे कौन है? चलो मेरे साथ। अच्छा, इस अभिषेक के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? और अभिषेक, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? सोहम, पहले पूरी बात तो सुन लो। सोहम, शक करने की तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं। अब लेक्चर देना बंद करो, इतना मारूंगा कि तुम चल भी नहीं पाओगे। सोहम, चल तो मैं वैसे भी नहीं सकता और इसीलिए विद्या यहाँ आती है। क्या? हाँ, 1 महीने पहले अभिषेक और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था। एक बार ट्रक ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था और मेरी कार उसके ट्रक से टकरा गई। मेरी बीवी की तो वही मौत हो गई और मैंने अपने मेरे दोनों पैर गवा दिए। मेरी बीवी के साथ साथ मेरी किस्मत भी चली गई। हाँ, कंपनी में मेरे पार्टनर ने मेरे साथ फ्रॉड किया, आज तक उसका कर्ज चुकाते चुकाते बस अब ये एक मकान बच गया है मेरे पास। तो विद्या यहाँ क्या कर रही थी? सोहम, हम सभी दोस्तों ने अभिषेक की हेल्प करने के लिए काम डिवाइड किया हुआ है। मैं रोज यहाँ पे उनके लिए खाना लेके आती हूँ। ओ, तो तुम इसलिए? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पे आती थी, पर तुमने तो मुझे बेवफा ही साबित कर दिया। नहीं विद्या, से बहुत बड़ी गलती हो गई,
प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं सोहम? तुमने मुझ पर नहीं, मेरे प्यार पे शक किया है। विद्या, सोहम को माफ कर दो। अब तो सोहम को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। और सोहम, तुम हर बात पे शक करना बंद कर दो। शादी से पहले भी तुम विद्या पे शक कर रहे थे और आज भी कर रहे हो। सोचो, अगर विद्या की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? सच कह रहे हो तुम, लेकिन अब मेरी आंखों में से शक की पट्टी खुल गई है। शक इंसान को खोखला बना देती है। विद्या, ये भूल अब दोबारा नहीं होगी। और हाँ, अब मैं भी तुम्हारी तरह अभिषेक की मदद करूँगा। तो अब हम चले, क्योंकि मुझे शाम का खाना भी तो बनाना है। नहीं, आज हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। आज की शाम दोस्ती के नाम।